हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अज वे शनिवार ते 12 तरीक आप चले हाँ आउटिंग ते मोरने हिल्स। काफ़ी टाइम हो गया बाहर नहीं गए सी ते प्लान बनाया कि बाहर चलीए। साढ़े पाजी विक्रमजीत सिंह पिछे लक्की बैठी है ते नाल उन्हां दी वाइफ वे जो कि न्यूली मैरिड ने। सो काफ़ी टाइम हो गया लॉकडाउन सी, घर बैठे सी, बाहर कितने गए नहीं सी। सो अज अपना प्लान सी कि आप जाइए मोरने हिल्स। तो अपना मोरनी हिल्स का डिस्टेंस अपने होम टाउन तो 106 किलोमीटर से वाया शाहबाद, बट आप देखांगे किवें बनेगा प्रोग्राम, जो भी बनेगा तो दिखावांगे। सो करते हैं आप वीडियो नू स्टार्ट ते करते हैं अपनी जर्नी नू स्टार्ट। पहुँच गया इतने पंचकूला, तो इतों की अपना आई थिंक 25-30 किलोमीटर रह गया अपना मोरनी हिल। तो प्लैन अपना चेंज हो गया सी, पहले सोचा सी वाया शाहबाद जावांगे जो कि 106 किलोमीटर सी, बट कुछ डिस्कशन करने तो बाद फाइनल ये होया कि आप जावांगे वाया पंचकूला। तो पंचकूला पहुँच गया, तुम दिखाने पंचकूला के नज़ारे, तो बाकी फिर बाकी दी गल्लां आपां मोरनी हिल जाके करांगे। सो आ गया पंचकूला शहर, पंचकूला दा ट्रैफिक तो खैर है कौन नहीं ड्यू टू लॉकडाउन। अगों दी आपां लैणा एक राइट टर्न, ते उस तो बाद अपनी मोरनी हिल दा जो रिमेनिंग पार्ट है वह शुरू हो जाएगा, मतलब कि रस्ता जो कि 25-30 किलोमीटर है, तो 25-30 मिनट ही लगन गए पहुँचन। जाम लग गया भाई, जर्नी स्टार्ट की सी अपनी मोरनी हिल वास्ते। सो असी हुण मिड पॉइंट ते आ, इत्थों दी शायद आई थिंक 20 किलोमीटर रह गया मोरनी हिल। सो अज असी एंजॉय कर लगे आ वीकेंड अपना, साडे पार्टनर भी ने साडे नाल, तो तुसी इन्हां नाल पहले भी आई थिंक मिल चुके हो, विक्रम सिंह सेम एंड शी इज माई पार्टनर। ओके, सो असी कर रहे एंजॉय नजारा जिथे रुके थोड़ा स्टे किया थोड़ा टाइम।
सो नजारा बड़ा शानदार है, वधिया ठंडी हवा, बिल्कुल बहुत धुप भी निकल गई है। स्टार्टिंग विच धुप नहीं सी, जो आप घरों निकले सी, बट इस टाइम धुप भी है, नजारा बड़ा ही शानदार है, मजा आ गया। खुला रोड है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए तो हमें कुछ नजारा इस तरह ना, बहुत साफ सुथरा एरिया है, बहुत काफी लोग आ रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि इन्हें लोग नहीं आने के, जिवें आपां वीडियो च देखिया सी साफ सुथरा इलाका सी, मतलब खाली इलाका सी, इत्थे आके वेख्या तो काफी लोग आ रहे हैं। तो मिनी इन्हूं आपां शिमला कहवांगे, असीं मिनी शिमला कह सकते हैं गाइस, वाकई मिनी शिमला पहुंच गए हैं। तो रब करेगा तो एक दिन शिमले भी जावांगे। गाइस आपां पहुंचण वाले हां लेक ते, जिंदा नाम है टिक्कर ताल। सो 12 बजे निकले सी, 4 बज गए हल तक, जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट ते आपां नहीं पहुंच पाए, ते फिलहाल लगी भुख ते आपां हुण साडी जनता पार्टी नूं लगी भुख ते लंगर पानी छकन लगे हां। शिव ढाबा जिथे आपां रुके हां इस टाइम ते, उस तों बाद आपां जावांगे लेक ते। ते लेक इत्थों दी सानूं सामने विखदी पई, आई थिंक बोटिंग हो रही उस लेक ते। ते जदों लेक ते पहुंचांगे ते तुहानूं दिखावांगे लेक दे नज़ारे। तो उस तो पहले तुहानूं आस पास की जो लोकेशन है उनका एक बार दिखाइए नज़ारा, कि लोकेशन किवें दी है ते इत्थों दी लेक किवें दिखदी है। सो आए हैगा आस पास दा नज़ारा, वो सामने तुसीं वेखोगे इस जगह ते उत्थे हैगी अपनी लेक। आई थिंक बोटिंग हो रही है बट नॉट श्योर, जो पहुँचांगे उत्थे ते पहुँच के लगेगा पता कि बोटिंग है हो रही है नहीं हो रही। इत्थों दी लगदा पिया कि शायद हो रही है, राइट। तो आ ढाबा अपना, ढाबे का नाम की है, नाम पता नहीं कहड़ा है, शिव ढाबा, क्योंकि शिवजी की फोटो लगी हैं उत्ते, आई थिंक शिव ढाबा है। तो आ बाकी समान पे इतों आप लंगर पानी छकांगे। तो आ साड़ी बैठी है जनता पार्टी, हैलो कर दो सारे जने, हेलो हेलो गाइस, तैयार हो गए वास्ते, बिल्कुल रेडी, हाउस का जोश। सो गाइस पहुंच गए आप टिकट ताल ते, बहुत ही शानदार व्यू, तुसीं वेखो पिछे सारे पास पहाड़ ही पहाड़ ने, बहुत ही शानदार व्यू है। ये साड़ियाँ दो मैडम, तो काफ़ी वधिया मौसम है, सारे पास का व्यू देखो तुसी। सो ये वे साड़ी बोट जिंद उत्ते आपां बोटिंग करनी है, तो साड़ी जनता इज़ अबाउट टू रेडी। पहले ये बैठनगे तो इन्हां तों बाद मैं बैठांगा। बहुत ही शानदार व्यू हैगा है।
ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਤੇ ਹਿਲਸ ਐਂਡ ਥ੍ਰਿਲਸ ਤੇ ਆ ਇਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਵਨ ਡੇ ਟੂਰ ਸੀ ਸੋ ਐਡਵੈਂਚਰ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ 'ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਏ ਟ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਏ ਰੋਕ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਏਰੀਆ ਰੀਵਰ ਕਰੋਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ 'ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਸਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ